रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़, आज फ्राइडे 29th अक्टूबर 2021। आज पास्टर क्रिस ओयाकिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, सेकेंड पीटर 1:3, दूसरा पत्रस 1:3, सेकेंड पीटर 1:3, दूसरा पत्रस 1:3। इस वचन के आधार से आज विषय है ट्रस्ट एंड एक्ट ऑन हिज वर्ड, भरोसा करो और चलो उस वचन के ऊपर, उसके वचन के ऊपर। और एक बार पढ़ेंगे, ट्रस्ट एंड एक्ट ऑन हिज वर्ड आज का टॉपिक है, आज का विषय है भरोसा करो और उसके वचनों पर चलो। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे, सेकेंड पीटर 1:3, अकॉर्डिंग एज इज डिवाइन पावर हैथ गिवन अनटू अस ऑल थिंग्स दैट पर्टेन अनटू लाइफ एंड गॉडलीनेस, दो थ्रू द नॉलेज ऑफ हिम दैट हैथ कॉल्ड अस टू ग्लोरी एंड वर्च्यू। सेकेंड पीटर 1:3, according as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. दूसरे पत्रस उसका पहला अध्याय 3 हम पढ़ेंगे, the SI Bible में से दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। और एक बार पढ़ेंगे, दूसरे पत्रस की पत्री, पत्रस की दूसरी पत्री पहला अध्याय 3, DSI बाइबल में से, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। In 1 Corinthians 3:21, the Apostle Paul by the Spirit corroborates our underlined portion of the verse above. It says, all things are yours. जो पहला कुरंथियों की पत्री है 3:21 जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात की पुष्टि करता है जो रेखांकित किए हुए भाग है वचन के अंदर, जो हमने अभी दूसरे पत्रस के 1:3 में पढ़ा। वहाँ पर जैसा लिखा है कि इंग्लिश में ऐसा लिखा है, ऑल थिंग्स आर योर्स। यहाँ पर अगर हिंदी में BSI बाइबल में देखेंगे तो वही बात को इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य में सब कुछ तो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा है द्वारा दिया है, जिसने अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। यहाँ पे उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य जो ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, तो उसकी है वो, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य है जो हमको ये सब कुछ देता है, और ये सब कुछ वो हमको दे चुका है, हमको दे चुका है, वो पहचान के द्वारा दे चुका है, हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, सब कुछ बोला है, सब कुछ हमको दे दिया है। ये हम पुष्टि होती है इस वचन की जब प्रेरित पौलुस जो है पहले कुरंथियों के 3:21 में पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे उस वचन को, पहला कुरंथियों की पत्री 3:21। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। यहाँ पर और एक बार देखिए वही बात आ गई, सब कुछ तुम्हें दे दिया, ये हमने दूसरे पत्रस के 1:3 में पढ़ा। और इसी के विषय में
प्रेरित पौलुस भी पवित्र आत्मा के द्वारा ये बात लिखा है, पहले कुरंथियों की पत्री 3:21। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। That's because all things are in Christ and Christ is in you. अब ये सब कुछ तुम्हारा है, इस प्रकार का जो रेखांकित किया हुआ वचन का भाग अगर हम खास तौर पर ध्यान में लेंगे तो ये सब कुछ तुम्हारा है। ये इसीलिए बोला गया क्योंकि जो सब कुछ है वह मसीह के अंदर है और मसीह हमारे अंदर है। इसके लिए उसे इस प्रकार से हमारे लिए दिया गया कि सब कुछ तुम्हारा, तुम्हारे लिए दे दिया गया है और सब कुछ तुम्हारा है। ये प्रकार के वचन में पुष्टि हम देखते हैं पहले कुरंथियों के 3:21 में और दूसरे पत्रस की 1:3 की, वो वचन का भाग जो सब कुछ तुम्हें दे दिया है। ये इसीलिए है क्योंकि सब कुछ मिलकर इकट्ठा करके मसीह के अंदर मौजूद है और अब ये मसीह जो है हमारे अंदर मौजूद है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। Therefore things present and things to come are all yours। तो यही कारण बन जाता है जो अभी अस्तित्व में चीजें हैं और जो आने वाले समयों के अंदर होने वाली सब कुछ बातें हैं, वह सब कुछ अब हमारा है। मिलकर इकट्ठा करके सब कुछ अब हमारा है। His divine power, not your own ability or human wisdom, has given unto you all things that pertain to life and godliness. अब ये जो सब कुछ हमारा है, हम ऐसे कह रहे हैं, इसके अंदर का खास विशेष महत्वपूर्ण जो भाग है वो है ये सब कुछ केवल और केवल परमेश्वर के सामर्थ्य, ईश्वरीय सामर्थ्य के कारण वो सब कुछ हमारा हो चुका है। तो आप जब इस प्रकार से कहते हैं कि जो आने वाली चीज़ें हैं और जो अभी मौजूद चीज़ें हैं सब कुछ हमारा है, तो वो ईश्वरीय सामर्थ्य जो परमेश्वर की है, जो हमारी काबिलियत नहीं है अपने खुद की या फिर हमारे मनुष्य जीवन के बुद्धिमत्ता नहीं है वो कि हमारे सब कुछ हो गया, ऐसा कोई बुद्धिमत्ता हमारे पास नहीं है और ना ही हमारे पास ऐसी कोई कुवत है कि सब कुछ हमारा लेकर करके बैठ जाए, ऐसा हमारे पास कुवत भी नहीं है। वह हमको दिया गया है, यही वचन के अंदर हमने पढ़ा था दूसरे पत्रस के 1:3 में कि वो उसके सामर्थ्य है जो हमको सब कुछ दे दिया गया है। तो सब कुछ जो देने का कारण था वो परमेश्वर के ईश्वरीय सामर्थ्य हमको सब कुछ देता है, जो भी हमको जीवन जीने के लिए चाहिए और भक्तिमय जीवन जीने के लिए, भक्ति के संबंधित जो बातें हैं, जीवन के संबंधित जो बातें हैं, वो सब कुछ हमको दे दिया गया है। वो उसके ईश्वरीय सामर्थ्य में हमको सब कुछ दिया गया है। उसकी जड़ जो है, हमारे पास सब कुछ होने का जड़ जो है, हमको जो जीवन जीना है यहाँ पर इस पृथ्वी के ऊपर और जो हमको भक्ति के लिए चाहिए, वो सब कुछ जो इकट्ठा मिलकर है वो हमको दे दिया गया है। वो देने के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य में से, मतलब ईश्वरीय कुवत में से, ईश्वरीय शक्ति में से हमको वो सब कुछ दे दिया गया है। This means you are not supposed to ever be in lack or want. तो इसका मतलब ये बनता है कि अगर आपको भक्ति का जीवन जीना है, अगर आपको वचन का जीवन जीना है इस पृथ्वी के ऊपर, तो आप उसके बारे में और आपके जीवन के ज़रूरतों को, जो भी ज़रूरी है आपके जीवन को इस पृथ्वी के ऊपर जीते समय, उसमें आपको कभी भी घटी नहीं आएगी और आप कोई ऐसे नहीं रहेंगे कि आपके अंदर घटी होने के कारण आपको यहाँ वहाँ भटक भटक कर उसे प्राप्त करने की खोज करते रहना पड़े। Read our theme verse again.
आप हमारे शुरुआती वचन को देख सकते हैं किस प्रकार से वो वचन कहता है। हम पढ़ेंगे उसे, दूसरा पत्रस पहला अध्याय तीन वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। तो ये कोई हमारी मनुष्य बुद्धि नहीं है, ये कोई हमारा खुद का काबिलियत कुवत नहीं है जो हमारे पास जीवन के लिए जो चाहिए वो हम इकट्ठा कर रहे हैं, या हम जो भक्ति के लिए चाहिए वो हम जीवन जीने की ताकत में जी रहे हैं। ऐसा हमारे पास कुवत नहीं है और ना ही ऐसी हमारे पास बुद्धिमानी है मनुष्य रूप में। ये हमको सब कुछ कौन दे रहा है? ईश्वरीय सामर्थ्य दे रहा है, जो परमेश्वर का सामर्थ्य है उसमें से हमको मिल रहा है। तो यही वो कारण बन जाता है कि हम उस तरह के लोग अब बन जाना चाहिए जो कभी भी कोई घटी महसूस नहीं करते हैं और जो कभी भी कुछ भी प्राप्त करने की खोज में लगे नहीं रहते हैं। आप इस वचन को, शुरुआती वचन को दोबारा पढ़ सकते हैं किस प्रकार से वो हमको कहता है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय तीन वचन, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। When God says He has done something, you believe and act accordingly. जब कभी आप ऐसा देखते हो कि परमेश्वर ने कह दिया कि उसने कुछ कर दिया है, तो फिर आपके पास जो बाकी रहता है वो ये है कि आपने विश्वास करना है और फिर उसके बात के अनुसार आपने करना शुरू कर देना है। For instance, you probably have some money in the bank. When you made the deposit, they probably sent you a confirmatory message that XYZ amount of money had been credited to your account and you believe it. एक उदाहरण के तौर पर आप ये सोच कर चलिए कि आपने कुछ पैसे निवेश करके आ गए हैं अपने बैंक के खाते में, और जब आप निवेश कर चुके हैं, बैंक के खाते में जमा करके आ चुके हैं पैसे, तो फिर अब बैंक वालों का काम ये होता है कि वो आपको एक संदेश भेजेंगे कि किसी एक ऐसे कोई नाम का इंसान है जिसने आपके खाते में इतने इतने रुपये जमा कर चला गया है। तो अब आप क्या करते हैं कि आप उस बोली हुई संदेश में जो आई हुई बात है उसके ऊपर आप विश्वास कर लेते हैं। बस इसके से ज़्यादा आप और कुछ नहीं करते, आप केवल इतना ही रखते हैं अपने पास करने के लिए कि आप उसके आए हुए संदेश पर संदेह नहीं करते हैं, आप विश्वास कर लेते हैं। When you needed to spend it, you don't try to claim it. You just knew the money was yours and accessible to you. जब आपको जरूरी लगता है फिर उस खर्च करने के लिए उस पैसों का जो आप जमा करके आए हो, तो आपको उसके लिए कोई दावा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोशिशें नहीं करनी पड़ती है कि वो आपके हैं ये आपको साबित करके देना पड़े। ऐसी कोशिशें तो आपको करना नहीं पड़ता है, आप केवल वहां चले जाते हैं जानकारी रखते हुए कि वो आपने जमा किए हुए रकम है और वो आपकी है, और केवल आप वहां जाते हैं और उस सारे पैसों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इतना ही कुछ आपके लिए करना होता है। Did you know that God's word to you is the confirmatory message that you have what He says you have and are who He says you are and can do what He says you can do?
तो जिस प्रकार से बैंक के लोग आपके खाते में जमा रकम हुई ये बताने के लिए आपको संदेश भेजते हैं कि ये निश्चित कर दिया गया है कि आपने जमा की हुई रकम हमारे खाते में आ चुकी है, ये संदेश निश्चित करने वाला संदेश आपके पास भेजा जाता है। तो आप परमेश्वर का वचन भी वैसे ही समझिए कि जब परमेश्वर का वचन आपके लिए ये निश्चित संदेश होकर आया है, वो जब कहता है कि आप कुछ आपके पास कुछ है तो उसने कह दिया है और आपने विश्वास कर लेना है। जिस प्रकार से आपके बैंक के खाते में जमा हुई रकम की जब आप खुद जानते हैं, आप ही ने उसे जमा करके आए हो, तो आपको वो अगर संदेश भेजते हैं बैंक वाले लोग, तो आपको उसके लिए कोई खास विशेष मन देकर उसको सोचने की जरूरी नहीं लगता है, क्योंकि आप जानते हैं उसके बारे में कि जमा तो आप ही नहीं कर आए हैं। तो फिर जमा हुई रकम के बारे में अगर निश्चित बैंक के खाते में जमा हो चुकी है ये संदेश आए, तो आपके लिए वो कोई अचंभित करने वाली बात नहीं रहती है। और जब आपको जरूरत पड़ता है तो आप जानते हैं कि अब वो आपकी रकम है, जाकर साबित करने के दावा लगाकर बात करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको मालूम है कि वो आपकी रकम है और आपने जाकर उसे इस्तेमाल करना है। वैसा ही परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर का वचन आपको ये खातरी देता है, निश्चित संदेश देता है कि आपके पास कुछ है जो वो कह रहा है, तो फिर वो आपको विश्वास में ले लेना है कि हाँ बिल्कुल वो आपके पास है। और आप अगर ऐसा वचन कह रहा है आपके बारे में कि आप कुछ ऐसे हो जो वचन के अंदर बोला गया है, तो आपको केवल निश्चित उसका विश्वास ले लेना है कि बिल्कुल आप वैसे हो जैसा वचन कह रहा है। और अगर वचन इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि आप कुछ कर सकते हो, तो फिर आपको भी निश्चित इस बात को अपने अंदर विश्वास में ले लेना चाहिए कि बिल्कुल आप वो कर सकते हो जो परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है। ट्रस्ट एंड एक्ट ऑन हिज वर्ड, यू वुड बी अमेज्ड एट द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू वुड लिव। भरोसा कीजिए और चलना शुरू कीजिए उसके वचन के ऊपर, और आप अचंभित रह जाएंगे जो जीवन का दर्जा आपको देखने मिलेगा, आपका जीवन बनता हुआ जाएगा। His word is absolutely dependable। उसका वचन निश्चित तौर पर निर्भर रहता है, किसी के ऊपर निर्भर रहता है। Let your confidence in life, your guarantee that you will forever be a victor and a success, be on the basis of your faith in the word। देखो, अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने भरोसे में ले लिया, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं, आप उसके ऊपर पूर्ण रूप से अपने आप का आधार रख सकते हो, आप पूर्ण रूप से उसको अपने सहायता और सहारा में ले सकते हो, क्योंकि वो विश्वास योग्य वचन है और वो आधार, वो टेक लेने के योग्य, ऐसा निश्चित ऐसा ही वो वचन है। तो आपके आत्मविश्वास में इस प्रकार से फिर आपका जीवन निश्चितता की खातरी देने वाला बनना चाहिए कि हमेशा ही आप विजेता है और सफल है, और आपका जीवन का रुकना, रहना, ठहरना भी परमेश्वर के वचनों के विश्वास के ऊपर ही होना चाहिए। If today you seem to be struggling through life, living as a victim, it's most likely because you have not believed the word enough। अगर समझिए, आज आप अपने जीवन को देख रहे हैं कि आपका जीवन शिकार की तरह पड़ा हुआ है और आपका जीवन में आप संघर्ष किए जा रहे हैं, तो ये बात निश्चित हो जाती है कि इसका जरूरी कारण ये है कि जितना विश्वास आपको वचन के निश्चितता में रखना चाहिए था, आप उसके निश्चितता के जितना प्रमाण आपके अंदर विश्वास का उस वचन के
के अंदर आपने विश्वास को रखने की जरूरत थी, उतना प्रमाण आपने उंडेला नहीं है आपके विश्वास का उस वचन के अंदर की निश्चितता के ऊपर। आपको वचन निश्चितता देता है, जो निश्चितता आप निर्भर हो सकते हैं, जिसके ऊपर आप टेक ले सकते आधार ले सकते हैं, जिसको आप अपना सहारा बना सकते हैं, इतना वो निश्चितता का वचन है। लेकिन आपने उसको उतने निश्चितता का प्रमाण में अपने भरोसे के अंदर लिया नहीं, बल्कि आपने उसको इतना कम विश्वास में रखा ताकि ये आपको बना दिया है आपके जीवन के संघर्ष भरा शिकार के समान आपका जीवन उसने बना कर रखा है, क्योंकि आपने उतने मात्रा विश्वास की उस वचन के अंदर रखी हुई निश्चितता के ऊपर नहीं डाली। इसकी वजह से rather than blame circumstances, the government or other people for your situation, consciously and consistently walk in the light of God's word। इससे बेहतर है कि आप अगर समझो परिस्थितियों को दोष देते बैठेंगे, सरकार या फिर दूसरे लोग जो आपके परिस्थितियों में हैं उनके ऊपर आप अपने दोष के बातें बोलते रहेंगे, तो आप इससे बेहतर अच्छा ये बात है कि आपने क्या करना है, जो ध्यान है आपका लगातार आप परमेश्वर के वचन के ज्योति में रख देना है और लगातार उस वचन के परमेश्वर के वचन के ज्योति में चलते हुए जाना है। आप दोष लगाने के जो परिस्थितियों के ऊपर दोष लगाने का अवसर जो मिलता है उसको पकड़ने से बेहतर बात, सरकार को दोष लगाने के अवसर जब मिलते हैं उसको लेने से बेहतर ये है, दूसरे लोगों के जो आपके परिस्थितियों का कारण है उनको लेकर आप दोष लगाते बैठने के लिए, इससे बेहतर बात अच्छी बात ये रहेगी कि आप ध्यान पूर्वक और लगातार परमेश्वर के वचन के ज्योति में चलते जाओ। There is nothing you could ever need or desire for a godly life that's not already yours in Christ। अब ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रहा है जो आपको जरूरी है और आपको इच्छा रखते हैं आपकी ईश्वरीय जीवन जीने के लिए चाहिए, और वो आपके पास अभी मौजूद नहीं है मसीह के अंदर होते हुए। ऐसी एक भी बात बाकी नहीं रही है, सब कुछ आपका हो चुका है मसीह के अंदर। The question is, do you know this? सवाल इतना ही बाकी रहता है, क्या आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं? If you do, then you have before you a life of endless possibilities. Nothing shall be impossible unto you. Mark 9 chapter 23 verse. अगर इस बारे में आप जानकारी रख रहे हैं कि मसीह के अंदर से आपको पवित्र सामर्थ, ईश्वरीय सामर्थ सब कुछ दे दिया है जो आपको जीवन जीने के लिए जरूरी है, और भक्ति का जीवन जीने की इच्छा रखने का और उसे पूरा होते हुए देखने के लिए जरूरी है, वो सब कुछ आपको दे दिया है मसीह में, अगर आपको ये मालूम है, इसकी जानकारी आपके अंदर है, तो फिर अब आपके लिए जो जीवन रखा गया है वो असीम संभवताओं का भरा हुआ जीवन है। कुछ भी असंभव कहने के लिए बाकी नहीं रह जाता है आपके सामने। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 3 वचन में हम इसको 23 वचन में हम इसको पढ़ सकते हैं। हम DSI बाइबल में से देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 23 वचन। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। देखिए मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 23 वचन DSI बाइबल में से। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। पुट द वर्ड टू वर्क इन योर लाइफ एंड यू विल ऑलवेज बी विक्टोरियस। वचन को काम में उपयोग कीजिए आपके जीवन के अंदर, अपने जीवन के अंदर वचन को आप चलने में उपयोग कीजिए, और देखिए फिर हमेशा ही आप विजेता रहोगे।
जयवंत रहोगे हमेशा ही आप।